इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा पोको M2 प्रो और रेडमी नोट 9 प्रो के साथ रियलमी नार्जो 30 प्रो 5G को, जिसका प्राइस है 17,000 रुपया। और रैम और स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो 6 GB रैम, 64 GB स्टोरेज, और दूसरी तरफ पोको M2 प्रो या फिर रेडमी नोट 9 प्रो की बात करें तो 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज का प्राइस है 14,000 रुपया। क्या 3,000 रुपया ज़्यादा प्राइस इसलिए है क्योंकि ये 5G है, 5G मॉडेम है इसमें, या फिर कुछ और भी खास फीचर्स है रियलमी नार्जो 30 प्रो के अंदर, वही देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक वीडियो को लाइक भी कर देना। दोस्तों अगर बात करें रियलमी नार्जो 30 प्रो के परफॉर्मेंस की, तो उसका परफॉर्मेंस बहुत ही खास होने वाला है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है इस प्राइस रेंज के अंदर, क्योंकि आप लोगों को इस मोबाइल के अंदर मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800U ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। और दूसरी तरफ रेडमी नोट 9 प्रो और पोको M2 प्रो के अंदर हमें देखने को मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर, जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और बहुत ही कमाल का पावरफुल प्रोसेसर है। मैं खुद यूज कर रहा हूँ पोको M2 प्रो, तो सभी काम बहुत जल्दी से हो जाता है, बहुत पावरफुल प्रोसेसर है। अगर बात करो गेमिंग की, तो रियलमी नार्जो 30 प्रो के अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस काफी बढ़िया मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ग्राफिक्स वाले सेटिंग है वहां पर आप HD और उसके साथ 30 FPS वाले जो ऑप्शन है उस पर ही खेल पाएंगे। बाकी जो हाई वाले सेटिंग है वहां पर जाके आप गेम को नहीं खेल पाएंगे। अगर दूसरे साइड में बात करें रेडमी नोट 9 प्रो या फिर पोको M2 प्रो की, तो उसमें आप जितने सारे ऑप्शंस है ग्राफिक्स वाले ऑप्शन, लगभग सभी ऑप्शंस पर जाके आप गेम को खेल पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। तो गेमिंग के मामले में रियलमी नार्जो 30 प्रो से बेहतर है पोको M2 प्रो या फिर रेडमी नोट 9 प्रो। तो अगर रैम और स्टोरेज की बात करूं तो दोनों में ही हमें LPDDR4X का रैम देखने को मिलता है, दोनों में ही UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है, जिसके कारण आपका जो मोबाइल का परफॉर्मेंस होने वाला है, मतलब जैसा नॉर्मली मोबाइल को यूज करेंगे, कोई भी ऐप ओपन करेंगे, तो दोनों का ही परफॉर्मेंस सेम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्स है पोको M2 प्रो और रेडमी नोट 9 प्रो के अंदर, क्योंकि इसमें जो स्क्रीन OS है MIUI 12 का अपडेट मिल चुका है सभी के फोन में, और जितने सारे लोग MIUI 12 यूज कर रहे हैं सभी के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, मोबाइल लैग हो रहा है, बहुत सारे बग्स दिख रहा है। जब आप कोई भी ऐप ओपन करते हो रुक जाता है, टाइप करते हो तो टाइप नहीं होता है और कट हो जाता है डायरेक्टली सब कुछ, मतलब क्या बोलूँ, मोबाइल परेशान कर रहा है लोगों को, मुझे भी परेशान कर रहा है। और यहाँ पर बात करो रियलमी के अंदर, तो रियलमी का जो स्क्रीन OS है काफी बढ़िया है MIUI 12 के मुकाबले, तो ये चीज बहुत ज्यादा सही है। और यहाँ पे एंड्रॉयड OS की बात करूँ तो दोनों में ही एंड्रॉयड 10 का OS मिलता है, और पोको M2 प्रो रेडमी नोट 9 प्रो के अंदर एंड्रॉयड 11 कब आएगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पर रियलमी के अंदर प्रोस ये है कि उन्होंने बता दिया है कि बहुत जल्द यहाँ पर एंड्रॉयड 11 का अपडेट उनके फोन में आने ही वाला है। दोस्तों अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो तीन फोन के अंदर ही 6.5 इंचेस IPS LCD फुल HD+ डिस्प्ले मिलता है, तीनों के अंदर जो PPI है वो लगभग सेम है, लेकिन रियलमी नार्जो 30 प्रो के अंदर 120 Hz वाला डिस्प्ले मिलता है, जो कि काफी बढ़िया है, गेमिंग के टाइम पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आप लोगों को, लेकिन ज्यादा हर्ज होने वाला डिस्प्ले में बैटरी भी कंज्यूम ज्यादा कर लेता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो डिस्प्ले के मामले में ऑफकोर्स रियलमी नार्जो 30 प्रो बेहतर है, लेकिन इतना भी ज्यादा बेहतर नहीं पोको M2 प्रो और रेडमी नोट 9 प्रो के मुकाबले, क्योंकि इसके जो प्राइस रेंज है इस प्राइस रेंज के अंदर आप लोग को एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि IPS LCD से बहुत ज्यादा बेहतर होता है। अगर बात करो बैटरी कैपेसिटी की, तो तीन फोन के अंदर ही लगभग सेम टाइप का बैटरी कैपेसिटी मिल जाता है। रियलमी नार्जो 30 प्रो के अंदर हमें 5000 mAh का बैटरी मिलता है, साथ में 30 W का फास्ट चार्जिंग सिस्टम, और 25 मिनट्स के अंदर ही 50% चार्ज हो जाता है, फुल चार्ज होने के लिए 65 मिनट लगता है, सेम केस है पोको M2 प्रो में, सेम टाइम ही लग जाता है। और इसमें 33 W का फास्ट चार्जिंग मिलता है, 3 W ज्यादा मिलता है। और रेडमी नोट 9 प्रो की बात करें तो इसमें भी 5020 mAh का बैटरी मिलता है, साथ में 18 W की फास्ट चार्जिंग, जो थोड़ा कम है। और तीनों फोन के अंदर ही 3.5 mm का हेडफोन जैक मिलता है, साथ में USB Type-C चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है, लेकिन इसमें आयर ब्लास्टर है रेडमी नोट 9 प्रो और पोको M2 प्रो के अंदर इसमें नहीं है, ये इतना बड़ा चीजें नहीं है। और लुक एंड डिजाइन की बात करें तो रियलमी नार्जो की जो डिजाइन है मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा, और यहाँ पे
पोको एम टू प्रो और रेडमी नोट 9 प्रो की बात करें तो डिज़ाइन मुझे बढ़िया नहीं लगा, लुक्स बहुत अच्छा लग रहा था। पीछे की तरफ भी जो ग्लास है उसके वजह से जो कलर है बहुत ज़्यादा ग्लेज दिख रहा था, लेकिन उसका जो डिज़ाइन मुझे अच्छा नहीं लगा। स्पेशली कैमरा बम्प जो है रेडमी नोट 9 प्रो और पोको एम टू प्रो के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा ऊँचा है। बैक कवर चढ़ाने के बावजूद वो एकदम सेम सेम है, मतलब ज़मीन में रखोगे किसी जगह पर अगर उसमें रेंट होगा तो स्क्रैचेस आ जाएगा कैमरा की जो ग्लास है उसमें, और कैमरा क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। अगर आप फ्लिप कवर यूज़ करोगे तब ही प्रोटेक्ट कर पाओगे, वरना एक्स्ट्रा ग्लास चढ़ा के रखना पड़ेगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसमें भी कौन सा कि कैमरा क्वालिटी उतना अच्छा नहीं, मतलब नॉर्मल जितना नहीं रहता है ग्लास लगाने के बाद, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ख़राब लगा पोको एम टू प्रो रेडमी नोट 9 प्रो के अंदर। या फिर रियलमी नार्जो की बात करें तो उसमें जो कैमरा बम्प है लगभग सेम ही है, कवर चढ़ाओगे तो वो नीचे हो जाएगा और स्क्रैचेस नहीं आएगा। वैसे भी कैमरा क्वालिटी की अब बात करें तो तीनों के अंदर ही सेम क्वालिटी मिल जाएगा, क्योंकि हर मोबाइल में ही 48 MP का मेन रियर कैमरा दी गई है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 MP का मैक्रो कैमरा दी गई है। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो रियलमी नार्जो 30 प्रो के अंदर जो फ्रंट कैमरा दी गई है उसमें सोनी का IMX 471 एक्समर RS का सेंसर लगा हुआ है, जिसके कारण इमेज क्वालिटी जो है रेडमी नोट 9 प्रो और पोको एम टू प्रो के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगेगा। लेकिन वीडियो की बात करें तो वीडियो में रियलमी नार्जो 30 प्रो जो है उसका क्वालिटी बढ़िया लगेगा, लेकिन डायनामिक रेंज उतना अच्छा नहीं है, और ये दो फोन के अंदर भी उतना डायनामिक अच्छा रेंज नहीं है, मैंने यूज़ करके देख लिया है। लेकिन फोटो के मामले में रियलमी ज़्यादा बेहतर होगा फ्रंट कैमरा में और बैक कैमरा में, दोनों में ही सेम लगेगा, तीन फोन ही सेम लगेगा। अगर बात करो वीडियो फीचर के बारे में तो तीन फोन के अंदर ही आप लोगों को 4K वीडियो 30 FPS पे शूट करने का ऑप्शन मिलता है। फुल HD वीडियो मतलब 1080p वाले जो वीडियो है वो 30 FPS 60 FPS का स्लो मोशन और 120 FPS का भी स्लो मोशन मिल जाता है, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है इस प्राइस रेंज के अंदर। और यहाँ पे पोको M2 Pro Redmi Note 9 Pro के अंदर एक और चीज़ है जो कि आप HD के अंदर मतलब 720 वाले जो वीडियो है वो 720 पिक्सल्स वाले वीडियो उसके अंदर 240 फ्रेम पर सेकेंड और 960 फ्रेम पर सेकेंड की वीडियो रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन मिलता है। 960 वाले जो फ्रेम रेट है उसका क्वालिटी इतना बढ़िया नहीं लगा मुझे, मतलब खराब ही लगा है मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो उसके बावजूद जो 240 वाले ऑप्शन है वो किसी भी जो मोबाइल के कैमरा एप्लीकेशन है उसे छोड़कर किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ करके अगर आप 240 वाले वीडियो फ्रेम रेट वीडियो कैप्चर करोगे जो बिट रेट है उसे बहुत ज़्यादा हाई करके तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है, और ये चीज़ रियलमी में नहीं देखने को मिलता है जो कि प्राइस रेंज में इसके बहुत ज़्यादा है। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं इस तीन फ़ोन के अंदर, छोटे मोटे बहुत सारे फीचर एंड पैक्स हैं, तो इतना बात करना बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। और फिर से एक बार बता देता हूँ कि किस फ़ोन के अंदर क्या बेहतर है, तो तीन फ़ोन के अंदर ही जो प्रोसेसर है उसका पावर उसका काम करने का जो क्षमता है वो लगभग सेम है। GPU की बात करें मतलब गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो पोको M2 Pro और Redmi Note 9 Pro ज़्यादा बेहतर है Realme Narzo 30 Pro से। रैम स्टोरेज की बात करें तो तीनों में ही रैम स्टोरेज सेम से मिल जाता है, लेकिन जो रैम स्टोरेज का कॉम्बिनेशन है मुझे पोको M2 Pro और Redmi Note 9 Pro में ज़्यादा बढ़िया लगा। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें Realme Narzo 30 Pro ज़्यादा बेहतर है पोको M2 Pro और Redmi Note 9 Pro से। बैटरी तीन फोन के अंदर ही लगभग सेम मिल जाता है, कनेक्टिविटी भी लगभग सेम है, लेकिन OS Realme Narzo 30 Pro में ज़्यादा बेहतर है। कैमरा भी तीन फोन के अंदर लगभग सेम मिल जाता है। वीडियो फीचर के मामलों में Redmi Note 9 Pro और Poco M2 Pro ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों अगर सच कहूँ तो इस तीन फोन के अंदर मुझे उतना ज़्यादा कुछ अंतर देखने को नहीं मिल रहा है, लगभग सेम है। कुछ मामलों में Realme Narzo 30 Pro बेहतर है और बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, कुछ मामलों में Poco M2 Pro Redmi Note 9 Pro बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही बेहतर है, तो लगभग सेम टाइप का स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है। उसके बावजूद से 5G होने के कारण Realme Narzo 30 Pro में प्राइस डिफरेंट बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा प्राइस रखे गए हैं। इंडिया में 5G ठीक से आया भी नहीं है, तो क्या आप लोग इसे खरीदना चाहेंगे या फिर Redmi Note 9 Pro Poco M2 Pro जैसे फ़ोन को खरीदना चाहेंगे, मैं ये आप पर छोड़ देता हूँ। और इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कॉमेंट कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर जो ऑल वाला नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।